आज जो हमने टॉपिक किया था न्यूमेरिकल्स का, रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स ग्रेड 9, आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर टुडे दैट कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ रोड एंड अ चाइल्ड रन्स आउट एंड कवर 50 मीटर अहेड एंड द कार स्टॉप्स एज द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट द फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड. कैन ढूंढने को क्या कह रहा है, वट इज़ द बेसिकली what we have to find out is that what was the retardation, what was the deacceleration of the car if the car stopped at the front of a child. ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास. इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, वी हमारे पास जीरो होगी, एस गिवन था हमारे पास 50 meters, फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -4 meter per second square. नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ बस वॉज रनिंग और मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 kilometers per hour ऑन अप्लाइंग ब्रेक स्टॉप इन 8 seconds. क्वेश्चन की कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि बस रनिंग कर मूव कर रही थी रोड पे विद अ स्पीड ऑफ 54 kilometers per hour और ब्रेक जब अप्लाई की तो 8 seconds में वो बस स्टॉप करी, रुक गई, रेस्ट पे आ गई. क्या ढूंढने का कह रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. अब यू गिवन है 54 meters per kilometer per hour, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 54 × 1000 / 3600, दैट इज 15 meters per second. वी जीरो है, टी 8 seconds है, वी इक्वल टू यू प्लस एट टी लगाएंगे, हमारे पास ए आ जाएगा, दैट इज -1.875 meters per second square. नेक्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट कंप्लीट्स एंड राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 seconds, what will be the distance covered and a displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds. Time कितना लिया उसने total, 2 minutes 20 seconds, convert कर देंगे वो आ जाएगा 140 seconds आ जाएगा. Distance to diameter 200 meter था तो radius क्या होगा, 200 / 200 = 100 meters. In 40 seconds athlete ने इतने cover किया distance, one round किया तो 140 seconds में क्या करेगा, 140 / 40, that is 3.5 rounds. ये 3.5 rounds उसने कंप्लीट कर लिए. और डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड्स क्या होगा, दैट इज सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr इनटू टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, दैट इज 2πr 2 × 22/7 इनटू 100 × 3.5. कैलकुलेशंस करके हमारे पास आ गया 2200 meters. नाउ अब हमने देखना था सर्कुलर राउंड में जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिनिश हो गया, ऐसे कैसे, वन राउंड स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट से आया, स्टार्ट किया तो फिनिश भी इनिशियल पे आ गया, 3.5 राउंड उसने जब कंप्लीट किए तो जहाँ से स्टार्ट किए, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया उसके सामने आ गया, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया एंड ही कवर्स इज बेसिक डिस्टेंस एट दिस वेरी पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू डायमीटर दैट इज 200 meters. अब मेरे पास एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग डेक्स जो हमने किया था, दैट इज उसमें कह रहा था कि डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है कि एक पर्सन ने अब्दुल बाइल ट्रैवलिंग टू अ स्कूल कवर्स 20 फर्स्ट जाते टाइम उसने 20 kilometers per hour की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया, जाते टाइम 30 kilometers per hour की स्पीड से रो कवर किया डिस्टेंस, फाइंड द एवरेज स्पीड. अब डिस्टेंस गिवन नहीं था, लेट अ डिस्टेंस बी एक्स, टाइम टेकन हमने ढूंढना था, सो दैट इज इक्वल टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वो आ गया एक्स अपॉन 20. 30 kilometers आते टाइम 30 kilometers per hour की स्पीड से आया तो उसका टाइम इंटरवल आ गया एक्स पर 30 hours, सो टोटल टाइम टेकन हमारे पास आ गया, दैट इज 5x/60. अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज 2x/5x/60. सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 24 kilometers इज द पर आवर इज द एवरेज स्पीड विच वॉज टेकन बाय द पर्सन वाइल कमिंग टू गोइंग टू द फॉरवर्ड गोइंग टू द स्कूल एंड कमिंग बैक टू द स्कूल फ्रॉम द स्कूल टू हिज होम. दैट इज फॉर टुडे बेटर, आई होप सो आपको क्लियर होगा टॉपिक आज का. और नेक्स्ट में हम बैक इन न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्टिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को. एनी क्वेरीज सो आप क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है.